म्यूजिक तो है गाइस, कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ पांच ऐसे गेम्स जो कि इसी नवंबर में रिलीज़ होने वाले हैं और रिलीज़ हो चुके हैं। तो काफ़ी कमाल के गेम्स होने वाले हैं और आप लोगों को डेफिनेटली एक ट्राई तो देना चाहिए अगर आप लोगों का हाई एंड पीसी है या फिर बजट पीसी है जो आप कह सकते हो। तो यार देखते रहना इस वीडियो को। सिस्टम के बारे में मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इन सभी गेम्स की और अप्रॉक्सीमेटली किन किन सिस्टम पर चल सकते हैं वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, नहीं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा। चलिए वीडियो में बढ़ते हैं। वीडियो में बढ़ने से पहले यार लाइक कर दो, एम करते हैं 200 लाइक्स का, मुझे पता है आप लोग करवा दोगे, यार जल्दी से कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। अब वीडियो में बढ़ते हैं। वीडियो में बढ़ने से पहले यार एक बात तो बता दूं, ये गेम जो है ना ये ओपन वर्ल्ड का तो आप लोगों को मज़ा ही देंगे, लेकिन साथ ही साथ ग्राफिक के मामले में कोई भी पीछे नहीं रहने वाला है। तो ग्राफिक के मामले आप अगर आप सोच रहे हो ग्राफिक में कौन सा अच्छा होने वाला है, तो उसके बेसिस पे मैंने ये लिस्ट नहीं तैयार करी है, ये मैंने तैयार करी है रैंडमली। और रैंडमली आप लोगों को पता ही है कोई भी गेम आ सकता है। तो चलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए अब जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। नंबर फिफ्थ गेम, स्पाइडरमैन माइल्स एंड मोराइल्स। तो ये जो गेम है ये आने वाला है नवंबर 12 को और काफ़ी तगड़ा गेम होने वाला है। और आप लोगों को बता दूँ इसमें आप लोगों को पीटर पार्कर के अलावा भी बहुत सारे कैरेक्टर्स देखने के लिए मिलने वाले हैं। और आप लोगों को यहाँ पे एक बात और बता दूँ, ये जो गेम है ग्राफिक के मामले में आप लोगों को कोई भी शिकायत नहीं देगा। ये गेम आने वाला है PS4 और PS5 के लिए। और यहाँ पे एक बात और बता दूँ, अगर आप लोग इसके सारी DLCs और रिमास्टर्ड खेलना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों को ये जो गेम है परचेज करना होगा और एडवांस थोड़ा सा ज़्यादा पे करना पड़ेगा सारी DLCs मिलाने के लिए। तो काफ़ी मज़ा आने वाला है, देखते हैं क्या मज़ा देखने को हमें मिलता है। उसका बेटा टेस्ट ऑलरेडी चल चुका है और काफ़ी मज़ा आया लोगों को खेल के, तो देखते हैं कैसा ये रिस्पॉन्स करता है अपने रिलीज डेट पर। तो बढ़ते हैं हमारे फोर्थ गेम की तरफ। फोर्थ गेम जो यहाँ पे है ऑलरेडी रिलीज हो चुका है और ये फ्री टू प्ले है। मैंने इसके ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो बना चुकी है, ऊपर आई बटन में मैं लिंक भी दे दूंगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रॉग एंड कंपनी गेम की। काफ़ी कमाल का ये गेम है और काफ़ी कमाल का, इसमें आप लोगों को फन मिलते हैं। इसमें जो प्लेयर्स होते हैं उनकी अलग अलग एबिलिटीज़ होती है, तो काफ़ी मज़ा आता है और एकदम से पबजी वाली और वैलोरेंट वाली फील आती है। तो यार एक बार डेफिनेटली इसको खेल के देखना, ऑनलाइन FPS मल्टीप्लेयर गेम है तो मज़ा आ जाएगा। और क्या ही बताऊँ यार, क्या ही मज़ा आ जाता है खेल के, एक बार ज़रूर से खेलना और बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कि कैसा लगा ये गेम। और बात करूँ इस गेम की ग्राफिक की और सिस्टम रिक्वायरमेंट की, तो काफ़ी आराम से आप लोगों के PC में चल जाएगा। अगर 6 GB से ऊपर जी की रैम है तो आराम से चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप लोगों के पास जो वाईफाई इंटरनेट कनेक्शन है वो अच्छा होना चाहिए इस गेम को खेलने के लिए। चलिए बढ़ते हैं हमारे नंबर थर्ड गेम की तरफ। सो गाइस, टॉप 3 में बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, हम बढ़ चुके हैं हमारे टॉप 3 सीरीज़ में। और अगर अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यार क्या कर रहे हो यार, इस वीडियो को लाइक करो। एम करते हैं 200 लाइक्स का, मुझे पता आप लोग करवा दोगे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। चलिए बढ़ते हैं हमारे नंबर थर्ड गेम की तरफ। नंबर थर्ड गेम उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है जो लोग FPS वाले गेम्स को ज़्यादा प्रीफर करते हैं और एक्शन गेम्स को प्रीफर करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे कॉल ऑफ ड्यूटी कोल्ड वॉर की। ये जो गेम आने वाला है ये रिलीज़ होगा 10th नवंबर को। काफ़ी मज़ा आने वाला है इस नवंबर में। और मैं आप लोगों को बता दूं ये जो गेम है काफ़ी मज़ेदार गेम होने वाला है। इसके ग्राफिक आप अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते होंगे, काफ़ी मज़ा आने वाला है। और मैं आप लोगों को बता दूं ये जो है गेम ये हमारे PC में और PS4 यानी कि PS4 और PS5 Xbox की सारी सीरीज यानी कि सभी प्लेटफॉर्म पर आने वाला है। और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना जब ये रिलीज़ होगा तो आप लोग कौन से प्लेटफॉर्म पर इस गेम को खेलना पसंद करोगे। चलिए चलते हैं हमारे सेकेंड गेम की तरफ। सेकेंड गेम जो यहाँ पर निकल के आया है वो काफ़ी कमाल का गेम होने वाला है उन लोगों के लिए जो लोग एक्शन वाले गेम प्लस ओपन वर्ल्ड और साथ ही साथ थोड़ा डिटेक्टिव यानी कि असैसिन टाइप वाले गेम्स खेलना चाहते हैं। आप लोगों ने अभी तक तो गैस कर लिया होगा, जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे असैसिन क्रीड वालहला के बारे में। ये थोड़ा एंशियंट टाइप गेम है, अगर आप लोगों को भी ऐसे एंशियंट टाइम के गेम्स पसंद हैं तो आप लोगों को ये गेम बहुत पसंद आने वाला है। ये जो गेम है 12th ऑफ नवंबर को रिलीज़ होने वाला है आपके सभी प्लेटफॉर्म पर यानी कि PC में, साथ ही साथ PlayStation 4 एंड PlayStation 5 में और Xbox की सारी सीरीज़ में यानी कि Xbox 10 जो सीरीज़ है उसमें आने वाला है। Xbox 10 का मेरा मतलब है Xbox X जो सीरीज़ है उसका। तो ये भी काफ़ी कमाल का गेम है, इसके ग्राफिक भी काफ़ी कमाल होने वाले हैं और बहुत से लोगों की जो फ्रेंचाइज है बहुत से लोगों की फेवरेट भी है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये भी बता देना कि आप लोगों की फेवरेट है या नहीं है, या फिर आप लोग भी अभी तक GTA 5 के फ़ैन हैं मेरी तरह। अब यहाँ पर नंबर 1 का जो गेम आ चुका है वो काफ़ी आप लोगों को पसंद आने वाला है अगर आप GTA 5 के फ़ैन हो, क्योंकि GTA 5 अभी थोड़ा बहुत पुराना हो चुका है और धीरे धीरे जो गेम्स हैं वो अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, अपने अपने ग्राफिक को डेवलप कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक गेम निकल के आता है जिसका नाम है साइबरपंक 2077।
काफ़ी कमाल का गेम है गाइस, काफ़ी कमाल के इसके ग्राफिक है। और ये रिलीज डेट इसकी थोड़ी सी आगे पीछे बढ़ रही है, लेकिन अभी जो एग्जैक्ट डेट निकल के आई है वो है 18 नवंबर। थोड़ा सा डिले हो सकता है, थोड़ा सा आगे पीछे ये डेट जा सकती है, इसकी मुझे कोई गारंटी नहीं है। लेकिन ये जो गेम है सभी प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। इस गेम के ग्राफिक आप अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते हो कि कितने कमाल के हैं। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बता दूं, इस गेम के अंदर एक हॉलीवुड स्टार यानी कि हॉलीवुड एक्टर भी है जिन्होंने जॉन विक कैरेक्टर को भी प्ले किया था। मुझे तो ये गाइस इस गेम में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, मुझे तो ये डेफिनेटली खेलना है गेम। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताना कि आप लोग इस गेम को खेलना चाहोगे या नहीं खेलना चाहोगे, आप लोगों को इस गेम के ग्राफिक कैसे लगे। यही थे कुछ गेम्स, आई होप ये वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ फिर अगली वीडियो में, बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कि मैं कौन सी वीडियोज़ मुझे लेके आनी चाहिए। और मैं मिलता हूँ फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।